इंडिया की बैठक का क्या एजेंडा होगा, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक के दौरान? इंडिया अलायंस की मीटिंग 2 दिन के लिए मुंबई में रखी गई है। आज और कल पूरे देश भर से इंडिया अलायंस के जो भी दल हैं उन सब के प्रमुख अब धीरे धीरे मुंबई पहुंच रहे हैं। और आज का जो शेड्यूल अगर हम बताना चाहेंगे, आज के शेड्यूल में तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक कर्टसी मीटिंग होगी जिसमें सारे दल के जो प्रमुख हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद मुंबई के संताक्रूज इलाके में जो होटल हयात है वहाँ पर उद्धव बाला ठाकरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने उनके अपनी तरफ से एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सभी दलों के प्रमुख हैं वो डिनर करेंगे। और डिनर के दौरान भी इंडिया अलायंस को लेकर बातचीत होगी कि आखिर आने वाले चुनाव की रूपरेखा और क्या रहेगी, किस दिशा में ये अलायंस काम करेगा। कल का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि कल सुबह जो है वो 10:30 बजे के आसपास इंडिया अलायंस का लोगो वो लॉन्च होना है। तो लोगों को लेकर अभी काफी ज्यादा समय दिलचस्पी है और किस तरीके का लोगो होगा, उसमें नाम क्या होगा लोगों का, कौन कौन से रंग इस्तेमाल होंगे लोगों में, उसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो ये जो लोगो है वो कल सुबह 10:30 बजे इंडिया अलायंस का लोगो लॉन्च होगा। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग, एक मैराथन मीटिंग जो करीब 3 से 4 घंटे की मीटिंग होगी जिसमें इंडिया अलायंस के सभी प्रमुख दल के जो प्रमुख हैं जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और इस मीटिंग में तय होगा कि आने वाली जो लोकसभा चुनाव है उसमें इंडिया अलायंस का रोल क्या होगा। इस मीटिंग में तय होगा कि क्या इंडिया अलायंस को एक कन्वेयर मिलेगा या फिर एक बड़ी कमेटी बनाई जाएगी ताकि कमेटी के तहत एक जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके तहत आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाए। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडिया अलायंस का कन्वेयर ना बनाकर 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी अलग अलग पार्टी के होंगे, अलग अलग सदस्य होंगे, वो तय करेंगे कि इंडिया अलायंस की जो 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 लोग हैं, जो दल शामिल हुए हैं उन्हें किस तरीके से सीट शेयरिंग में आगे हिस्सा लेना है। सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनावों को लेकर, उसको लेकर 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है। और किस तरीके से चुनावों में अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में किस किस जगह पर कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी इंडिया अलायंस के गट का, उसको लेकर वो डिस्कशन होगी। तो कल की मीटिंग काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। और कल मीटिंग के बाद तकरीबन 3:30 बजे सभी दलों के प्रमुख जो हैं वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या हुआ, कितने लोग और शामिल होने वाले हैं इंडिया अलायंस में। और जैसा दावा किया जा रहा था, कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने कहा था कि आखिरी मीटिंग जब बेंगलोर में हुई थी तो इंडिया अलायंस में 26 दल थे, लेकिन अब जो मुंबई में अलायंस की, इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है उसमें 28 दल है, यानी कि 2 दल और बढ़ चुके हैं। तो इंडिया अलायंस दावा कर रही है कि उनकी मजबूती दिन ब दिन बढ़ते चली आ रही है और 2024 के लोकसभा जो चुनाव होने हैं, मई में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर इंडिया अलायंस की जो तमाम दल हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव की रणनीति क्या होगी, किस तरह से चुनाव को लड़ा जाएगा, लोकसभा चुनाव को, उसको लेकर ये पूरी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। इसलिए ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है। और कल की मीटिंग में ये साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस में कितने लोगों की कमेटी बनेगी, कन्वेयर बनेगा या नहीं बनेगा, कौन कौन से लोगों का क्या क्या रोल होगा, ये रूपरेखा कल के मीटिंग में तय हो जाएगी। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी डिटेल्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।